भी नाच रहे हैं, लेकिन यही दीवानगी है अजीत की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार और शुक्रिया यहाँ उपस्थित हुए आप सभी लोग। और मैं कुछ नारे भी सुन रहा था कि जो आवाज पाछी नाम शुरू सुने खूब भालो लग चलो। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं पर वो नारा एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था, ये नारा मतलब देखिए किसी भी कलाकार के सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो उनके फैंस होते हैं वही होते हैं, और ऐसे नारे होते हैं वही जी जी बिल्कुल किसी भी डायलॉग पर भारी जी, क्योंकि सीटी ताली और ये जो अप्रिसिएशन होता है इसका तोड़ किसी और चीज से नहीं होता है। कोई भी अवार्ड, कोई भी पैसे, कुछ भी इनका मोल नहीं कर पाते, इसका अपने आप में ये ओवर द टॉप रहता है, श्रेष्ठ रहता है। कोलकाता साहित्य के लिए आए, दूसरा साल है ये हमारा यहाँ पर साहित्य आज तक हम उसका आयोजन कर रहे हैं, और इतनी रिसेप्टिव ऑडियंस और कहीं की नहीं होती है, जो एक एक शब्द आपके सुनकर सही जगह पर वो तालियां भी बजाते हैं, सही जगह पर सही रिएक्ट करते हैं। मुझे लगता है मतलब आप लोगों को सलाम है इस बात पर, जितने अच्छी ये ऑडियंस है, और जिनको मोबाइल यूज कर रहे हैं वो सिर्फ बीच के हिस्से में रहते हैं। देखिए वरना आजकल क्या हो गया है कि पूरी पीढ़ियां बस एक मोबाइल से ऐसे रिकॉर्ड करते हैं, जबकि यहाँ पर तालियां भी बज रही है, सीटी भी बज रहा है, और लोग रिएक्ट भी सही तरीके से कर रहे हैं। सो एक्चुअली कोलकाता आपके लिए तालियां ही तालियां हैं जी। श्वेता जी बिल्कुल सही, यहाँ कलाकार भी भरे हुए हैं और कला की कदर करने वाले भी भरे हुए हैं। करेक्ट, इसीलिए यहाँ पर कला इतनी अच्छे से फलती फूलती पनपती है। लेकिन मैं यहाँ पर जीत को समझना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं केवल एक एक्टर, केवल एक प्रेजेंटर, केवल एक प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं, बल्कि वो जीत कौन है जिसने सोचा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही जाऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं लोगों के दिलों पर राज करूंगा, मैं दिलों को जीत लूंगा, ये कहां से शुरू होता है आपका वो सपना? सारी चीजें विस्तार में बताने के पहले मुझे ये कहना जरूरी होगा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद था, उन्होंने डेस्टिनी में लिखा हुआ था तभी मैं यहाँ आया, वरना हम सोचते तो बहुत कुछ है कर कितना पाते हैं। तो ये शुरू हुआ था करीब 25-27 साल पहले, 96-97 में मैंने कुछ एड्स किए थे, उसके बाद फिर मेरे कुछ वेल विशर्स ने कहा कि बॉम्बे चले जाओ, फिर मैं बॉम्बे 4-5 साल था, उसके बाद फिर बंगाल में वापस अपने शहर में आ गया, और यहाँ मुझे एक फिल्म मिल गई जिस फिल्म का नाम है जी हाँ 2002 में, और वो फिल्म करने के बाद जो यहाँ के दर्शकों के साथ जो मेरा जुड़ना हुआ वो दिल में ऐसे बिठा के रखें कि बस उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा, बस उसके बाद सफर जो है चलता जा रहा है और सबका प्यार बना रहेगा, तो आने वाले दिनों में और भी काम करते रहेंगे और भी लोगों का प्यार बटोरते रहेंगे। क्योंकि बहुत कन्वेंशनल एक सपना नहीं होता है कि आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, हर बच्चे को घर में चाहा जाता है कि कुछ और कुछ एक कन्वेंशनल रूट पे डाला जाए, तो जाहिर है कि वहां पर पहली बगावत आ जाती है जहां पर आप एक फिल्म एक्टर बनने के लिए आगे जाते हैं, और उसमें आज अगर हम जीत को ढूंढने की कोशिश ऑनलाइन भी करते हैं तो उसमें उनके टॉप 10 डायलॉग्स और माय फेवरेट डायलॉग ऐसी चीजें आने लगती हैं, पर जो आपका पूरा हम सफर देखें बंगाल तक सीमित होने के बावजूद, आज की तारीख में बंगाल तक इसीलिए सीमित नहीं है क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे तरीके हो गए हैं, उसके ट्रांसलेशन हैं, उसकी डब फिल्में हैं, आपके डब एक तो भोजपुरी फिल्म भी की है ना आपने जी, एक भोजपुरी फिल्म की है, एक उड़िया फिल्म भी की है मैंने। नहीं भोजपुरी फिल्म का नाम क्या है? प्यार जब गेहूं से हुई ज्यादा। बहुत बहुत डिसेंट नाम मिल गया, नहीं बहुत सारे नाम हो सकते थे, पर जीत के बांग्ला डायलॉग सुनने से पहले वो टॉप 10 डायलॉग से मुझे मिला नहीं, मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे उस भोजपुरी फिल्म का डायलॉग मिल जाए पर मुझे मिला नहीं, इसलिए पहले मैं जीत से भोजपुरी फिल्म का एक डायलॉग सुनना चाहता। अरे ओम बड़े सालों बाद बोल रहा हूं क्योंकि वो फिल्म मैंने की थी शायद 2008 के आसपास, एग्जैक्ट साल मुझे याद नहीं है बट लगभग उसी दौरान होगी। ये बायोग्राफी याद है सबको 2008 आठ ही बोलछी आमी होताले ठीक ही आछे
2008 है तो डायलॉग तो बंगला फिल्मों के भी काफी सारे याद नहीं रहते। भोजपुरी फिल्म आपने कहाँ फंसाया श्वेता जी? अरे हमरा के चिंता ई बात की नहीं कि हम संगीता के सपना पूरा ना कर सकीला, हमरा के तो परेशानी ई बात की रही कि हम माई के जियते जी संगीता का सपना पूरा ना कर सकीला। अच्छा थोड़ा सा बंगला मिक्स हो गया भोजपुरी में, पर ठीक है। चल सब चल वाह वाह सब चलता है। पर बांग्ला में मैंने देखा कि आपके जबरदस्त, और एक जॉनर नहीं है, आप किसी एक उसमें नहीं बंधे हुए हैं, आपने फ्रॉम रोमांस टू वो धमकी वाले अंदाज में आपके सारे की सारे डायलॉग्स, और आपके ये आपके आपकी पूरी फिल्मोग्राफी को दिखाता है कि मतलब कोई भी तरीके का कोई भी किरदार आप कर लेंगे। जी नहीं, बस ये लोगों का प्यार है, ऐसा नहीं, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करूँ, निष्ठा के साथ करूँ, और जो भी काम होता है वो चाहे बतौर अभिनेता हो, चाहे बतौर एक पुत्र हो, पति हो, बाप हो, भाई हो, हर काम को निष्ठा के साथ निभाने की कोशिश करता हूँ। हम जन्मे इसीलिए हैं कि अपने कर्म को ठीक से करें, और बस वही कोशिश करता हूँ। पर कैरेक्टर के सारे शेड्स, इतनी सारी आपकी फिल्मों की किरदार मैं देख रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत आसानी के साथ ढलते हैं हर किरदार में, इसके पीछे क्या होता है? ऑब्जर्वेंट है आम जिंदगी में कि मतलब हम आसपास देख रहे हैं तो हर आदमी में एक कैरेक्टर देख रहे हैं दरअसल? बस हो जाता है, अच्छे डायरेक्टर्स मिलते हैं, वो काम कराते हैं। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि क्योंकि मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कभी नहीं ली है बतौर एक्टर, मैंने थोड़े बहुत थिएटर्स किए हैं, बट उस तरीके से मैंने कोई डीप ट्रेनिंग नहीं ली है, तो शायद मेरा मानना यही है कि मैं अच्छा ऑब्जर्वेंट हूँ, इसीलिए मैं शायद अभिनय कर लेता हूँ। और ईगो नहीं होने का क्या कारण है? या आपने मेरे किसी पिछले इंटरव्यू को? नहीं, मैंने अभी देखा जब उषा दीदी ने आपसे कहा, आपने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने के लिए, आपके लिए वो वरिष्ठ है, आप वो इज्जत दिखा कि आप दौड़ते हुए स्टेज पर चले आए, और जब तक उन्होंने नहीं कहा आप नहीं उतरे। उषा दीदी का जो कंट्रीब्यूशन है एज अ पर्सन ऑल्सो एज अ टैलेंट ऑल्सो जो कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहीं ना कहीं ऋणी भी हूँ, हम सभी ऋणी है उनके पास, उनका बुलावा आता है तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से दौड़ के चले जाए। लेकिन आपने बहुत ही सरलता से मेरे क्वेश्चन को टक कर दिया। ऐसा क्या? हाँ, मैंने तो ईगो के बारे में, ईगो के बारे में मैं जैकेट खोल लूं, मुझे गर्मी लग रही है। हाँ जी, हाँ देखिए, ईगो के बारे में मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा था, आज यहां दोहरा सकता हूं मैं, यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू देखा है कि नहीं, अगर जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए, ईगो क्या होता है श्वेता जी? देखिए, बुकिश लैंग्वेज में अगर देखा जाए, व्हेन यू राइट आई इन इंग्लिश, दैट आई व्हेन वी राइट वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, और वो स्ट्रेट लाइन जब दो लोगों के बीच में खड़ी हो जाती है ना, तो वो दीवार बन जाती है, और उसे ईगो कहते हैं। वो एक दूसरे को सेपरेट कर देती है, वो कभी भी एक जगह पर एक ही सोच में नहीं आ पाते हैं, उसको ईगो कहते हैं। और मेरा अपना नजरिया ये है कि आप इमेजिन करिए कि आप एक ऑब्जेक्ट हैं, वो चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, यहां बैठे कोई भी, आप एक ऑब्जेक्ट हैं, और उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक रोशनी है, एक लाइट है, और ऑपोजिट साइड में जो दीवार है, उस दीवार पर एक इमेज दिखती है जो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है। वो इमेज जो दीवार में दिखती है, उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, आप जितना लाइट के नजदीक जाते जाएंगे, वो इमेज दीवार में जो दिखती है वो और बड़ी होती जाती है। तो दरअसल ये लाइमलाइट है जिसको आप अचीव करते रहते हैं, वो लाइट के नजदीक आते जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो दीवार में दिख रहा है वो बड़ा होता जाता है, और आपको लगता है कि आप वो हैं जो दीवार में दिख रहा है, लेकिन लाइट हटा दीजिए, आप वो हैं जो आप हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी भी कामयाबी से, सक्सेस से, अचीवमेंट से, उससे अपने आप को हावी, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वैसे भी एक सिंपल सी कहावत है, बहुत ही क्लीशे दो लाइनें हैं कि नेवर टेक सक्सेस टू योर हेड एंड फेलियर टू योर हार्ट, तो ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए ईगो की कोई जगह ही नहीं है,
मैं भी जब अपने घर जाता हूँ, अपनी बीवी से मिलता हूँ, तो सबसे पहले पता चल जाता है ईगो कुछ नहीं होता। वैसे आपने अभी अभी जैकेट हटाया तो मुझे याद आई ये बात कि देवानंद को काला पहनने से बिल्कुल मना किया गया था। इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू वेरी मच, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। ये म्यूचुअल एडमिरेशन ग्रुप के साथ ही हम यहाँ पर जी, जी, हाँ, आज आज मैं सुबह सुबह वैसे भी अंडे खा कर आया था, तो आप भी बिल्कुल अगर नहीं खा के आया होता तो आपको खा लेता मैं अभी। बिल्कुल ऑमलेट लग रही हैं आप। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अंडा मेरा फेवरेट है, ऐसे मत बोलिए। तब ठीक है। पर जीत आप गाना भी गाते हैं अच्छा। जब ये कम से कम उषा दी के सामने तो मत कहिए, उनके सामने पूछे भी मत। और यकीनन आप मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ श्वेता जी और सभी उपस्थित जितने भी दर्शक हैं यहाँ पर, दोस्त यार सभी लोग, मैं जब गाने गाता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि लोग हमारे गाने देखते हैं, सुनते तो उषा दी के गाने हैं। चलिए यहाँ देख ही लेंगे। अच्छा, थोड़ा और जोर से डिमांड करो ना। म्यूजिशियंस उषा दी, आपके आपके म्यूजिशियंस मुझे मिलेंगे क्या? कम से कम थोड़ा सा स्केल वगैरह दे दे तो मैं थोड़ा सा दीदी आप सिंगर है दीदी। मैं सिंगर नहीं हूं, मैं एक्टर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। म्यूजिशियन नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, बगैर म्यूजिशियन के भी मैं कोशिश कर लूंगा। गारे सानी सारे रे, गारे सानी पा निशानी सारे पागारे, गारे सानी पानी सारे पागारे सानी सारे का सारे सारे रे का रे का गापा गापा पारे सर। ओ बंधु तुम्ही सुनते की पाओ, ओ बंधु तुम्ही सुनते की पाओ, ए गाना मार ओ ए गाना मार हो ए गाना मार। थैंक यू। आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? क्यों आप मेरी ले रही हैं? छोड़ दीजिए ना, आज शाम के टाइम पे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ। और ये मैं कभी कभी लोगों की ख्वाहिश होती है, चाहते हैं, जैसे आपने अभी चाहा, तो मैं कोशिश करता हूँ। और मुझे पता है, हमने सुना था छोटे में कि गाना आए चाहे ना आए, गाना चाहिए, तो हम उन्हीं में से हैं। नहीं मतलब अगर बिना ट्रेनिंग के ऐसा गा रहे हैं तो लगता है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत लंबे टाइम हम कहते रहे सिर्फ, मतलब जो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो या फिर बॉलीवुड जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो, लेकिन आज की तारीख में जो सारी भाषाएं हैं, कंटेंट और फिल्म कैसी बनी है उस पर निर्भर करता है कि लोग उसको देख रहे हैं कि नहीं। और जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें बहुत उसने अपने आप को साबित भी किया है। एक पूरा साल निकल गया जब कोई हिंदी फिल्म हिट नहीं हुई थी, लेकिन साउथ की फिल्में हिट नहीं, सुपर हिट हो रही थी। क्या बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री ने वो ऊंचाई हासिल की है? अभी आप उससे कितना दूर देख रहे हैं? अभी भी अंडर परफॉर्म करती है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री, बट बिल्कुल अभी जो है वो दायरे, वो लकीरें मिट गई हैं। आज की तारीख में अगर आप अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, अच्छी फिल्म बना रहे हैं, अच्छा ओटीटी बना रहे हैं, अच्छे गाने बना रहे हैं, कुछ भी, कोई भी अच्छा कंटेंट आप बना रहे हैं, तो उसको उसके लिए भाषा जो है वो बांध के नहीं रख सकती उसे आज की तारीख में। आज की तारीख में बिकॉज इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से लोगों के फिंगर टिप में आ गई कि कोई भी कंटेंट कहीं पर भी बैठ के देख सकते हैं, इसीलिए बड़ा आसान हो गया। और बिल्कुल सही बात है कि साउथ की फिल्में जो हैं वो आजकल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बट ये एक फेज़ है। इसका मतलब ये नहीं हिंदी फिल्म ने एक साल नहीं परफॉर्म किया, उसके बाद आ गई ना एक फिल्म पठान आ गई थी, है ना, सबको पता है पठान ने 500 करोड़ का धंधा किया था, उसके बाद गदर भी आई थी, अभी एनिमल आई, और ये सारी फिल्में अच्छा कर रही है। बट साउथ डेफिनेटली पिछले कुछ सालों से उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट कुल मिलाकर हम भी यहाँ पर पोटेंशियल रखते हैं बंगाल में, यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस हैं, बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं,
बस सिर्फ वक्त का इंतजार है, सही वक्त पर अगर कुछ डिलीवर हो जाएगा तो हम तो पायनियर्स हैं फिल्म बनाने के मामले में, बंगाल रहा ही है, तो आने वाले दिनों में कभी अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम भी ले आएंगे अच्छी कुछ फिल्में। क्योंकि हम सत्यजीत रे, ऋतिक घटक, इन सबके समय से देखे तो बांग्ला मूवीज रूल करती थी और वहां से जो आइडियाज निकलते थे वो भी पहुंचते थे बॉलीवुड, जो डब फिल्में होती थी वो हम सब देखा करते थे। पर अगर आज की तारीख में आपको ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियल पे तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, पर वो गैप कैसे पूरा होगा? क्योंकि अब आपको भाषा नहीं चाहिए, आपकी फिल्म कैसे भी चलेगी, जैसा कि आप भी कहें। जी बिल्कुल, एक वो फिल्म आनी चाहिए, कोई ऐसी एक फिल्म आ जाएगी तो ये सारे जो दारोमदार, जो ये सारी चीजें हैं ये मिट जाएंगी, सिर्फ उस एक फिल्म का इंतजार है, वो कहीं से कभी भी आ सकती है। भाषा को लेकर लड़ाई होनी चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे याद है रामचरण जब लौटे थे अपने गाने नाटू नाटू के लिए अवार्ड लेकर, तो उन्होंने कहा था कि फिल्में तो सबको देखनी चाहिए, ये लड़ाई नहीं हो सकती है कि हम तमिल में बनाए, तेलुगु में बनाए, हिंदी में बनाए, वही चीज क्या आप भी मानते हैं? जी हम तो स्पेनिश, हम लोगों ने सबने देखा एक स्पेनिश शो मनी हाइस्ट, स्पेनिश ही था ना वो, जो उसको हम सब ने कितना देखा और कितना सराहा उसको, कितना उसको प्यार किया, पसंद किया। तो भाषा कभी भी आर्ट कल्चर के लिए, आर्ट के लिए तो भाषा रुकावट हो ही नहीं सकती कभी भी। आपने ऑल इंडिया रिलीज के लिए आपने कोशिश भी की, पहली उसकी कमर्शियल पोटेंशियल को कैसे देख रहे हैं आप? ये हमने कोशिश की, बिल्कुल दो फिल्में हमने रिलीज की हैं, एक चंगेज और एक मानुष। मानुष ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मानुष ने यहाँ भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट चंगेज ने यहाँ भी डिसेंट परफॉर्मेंस किया और ऑल इंडिया में भी हमने जो उम्मीद रखी थी उसको मीट किया था उसने। अजीत का लक्ष्य है वो एक ब्रेक थ्रू फिल्म बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को देने के लिए, जो कि ऑल इंडिया सुपर सुपर हिट कही जाए। जी बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कोशिश की थी हिंदी में रिलीज करने की। और जीत की जहाँ एक तरफ ये इच्छा है कि बंगाली फिल्म को आगे ले जाए, इंडस्ट्री को आगे ले जाए, साथ में ये भी मेरी इच्छा है कि मुझे भी लोग पहचाने, मैं भी अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहचानूँ। वो हो सकता है किसी हिंदी काम के माध्यम से भी हो सकता है और बंगला काम के माध्यम से भी हो सकता है, इसलिए मैंने भोजपुरी फिल्म भी की थी, मैंने उड़िया फिल्म भी की थी। मैं चाहता, हमेशा से ही चाहता हूं कि कैसे मैं और मेरे काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं। आपने अपना नाम सिर्फ सिंगल जीत क्यों? लोगों के दिलों को जीतना चाहता था इसीलिए। इसकी कोई तो सोच होगी, कोई न्यूमरोलॉजी होगी। मेरे स्कूल में नाम था जीतेंद्र मदनानी और उसके बाद घर में मुझे जीतू जीतू बोलते थे और स्क्रीन नेम मेरा जीत रखा गया। और ऐसा एक शब्द है जो हर इंसान चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मैं चाहता हूं मुझे जीत मिले, मुझे जीत मिले यार। ये बहुत बहुत अच्छी अच्छी सोच है आपकी इसके पीछे की, हर हर व्यक्ति चाहता है कि जीत मिल जाए। तो आज आपकी उस पूरी कोशिशों को देखकर, और आप ये भी बता रहे थे कि आप अब इन हाउस से अब निकलने वाले हैं, अब आप अपना वो सेल्फ इम्पोज्ड। जी मैं हमेशा से ही काम करना चाहता था, इन हाउस छोड़कर भी काम मैंने पहले भी किया था। पिछले 6-7 सालों से हमने सिर्फ इन हाउस ही काम किया है, बाहर कोई काम नहीं किया। बट अभी मेरे पास कुछ लोग पहुंच रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं बाहर भी कुछ काम करूं बतौर एक्टर सिर्फ, Not as a producer। जो आदमी लगातार successful होता रहता है, उसकी फिल्में चलती रहती हैं, गाने लोग आपको पसंद करते जाते हैं, उसके लक्ष्य क्या, उसके हिसाब से आगे बढ़ते जाते हैं? आप आज की तारीख में अपने लिए क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं? 720 करोड़ लोगों तक पहुंचना। अच्छा, मुझे लगा 720 करोड़ की फिल्म अभी, वैसे तो 1000 करोड़ भी ब्रीच हो चुका है, अब तो कोई पैरामीटर ही नहीं बचा। लेकिन 1000 करोड़ दुनिया की पॉपुलेशन नहीं है ना, दुनिया की पॉपुलेशन तो 720 करोड़ है। 720 करोड़ के लोगों के दिलों को जीतना चाहते हैं आप? जी कम से कम वो जाने, दिल तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, दिमाग तक भी पहुंच गए तो खुशी मिलेगी। एक जब आप शुरू कर रहे थे, या उससे पहले बोलूं, क्योंकि फिल्में तो ऐसी चीज होती है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है फिल्मों से जुड़ने के लिए, आप फिल्म देख कर भी उससे जुड़ सकते हैं। आपका हमेशा से
मैं फेवरेट एक्टर नहीं कहूंगी, स्टाइल ऑफ एक्टिंग कहूंगी। किसका पसंद आया है हमेशा से? स्टाइल ऑफ एक्टिंग तो कई लोग हैं मुझे पसंद है, लेकिन अगर एक नाम मुझे लेना चाहिए, मैं लेना चाहूंगा, अगर जहां से वो सीड आया था फर्स्ट, मुझे देख के लगा था कि मैं भी ऐसे बनना चाहता हूं, वो था जब मैंने दीवार फिल्म देखी थी और मैंने विजय कैरेक्टर के अमिताभ बच्चन को देखा था उसमें प्ले करते हुए, तब मुझे लगा था कि मैं भी अभिनेता बनना चाहता हूं। और अभी भी आप बाकी फिल्में देखते हैं? जी मुझे बहुत सारे एक्टर्स का काम पसंद आता है, जो अच्छा काम करते हैं वो इंस्पायर करता है, मुझे लगता है कि हाँ इनसे सीखने लायक कुछ बातें हैं, और सीखने के लिए तो मैं अभी घर में अपने 4 महीने बच्चे से भी सीखता हूँ और 11 साल की बेटी से भी सीखता हूँ और भतीजी से भी सीखता हूँ, सब तो बच्चों से भी सीखता हूँ कुल मिलाकर। बट हाँ, जहाँ बात आती है अच्छे एक्टर्स अच्छे काम की, कोई भी अच्छा काम करता है तो मुझे इंस्पायर करता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि काश ये रोल मुझे मिला होता। मैं बहुत डेस्टिनी में बिलीव करता हूँ, तो मेरे नसीब में जितना है उतना तो मुझे मिलेगा, वो कोई नहीं छीन पाएगा और किसी और का मैं नहीं छीन पाऊंगा। पर किसी तरह का कैरेक्टर जो भी रह गया हो कि मुझे ऐसा करके देखना है? मुझे तो लगता है कि बस अभी शुरुआत ही की है, कितना कुछ करना बाकी है। 2002 से शुरुआत की है अभी। नहीं, ये भूखी होती है शायद जो आपको एक बेहतर एक्टर और एक बेहतर इंसान बनाकर रखती है। अभी जितने भी आपके कंपैट्रियट्स हैं, मतलब मैं अक्रॉस लैंग्वेजेस बोलूंगी, केवल बांग्ला नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि लैंग्वेजेस में आप बांध ही नहीं सकते हैं किसी इंडस्ट्री को, उसमें आपको सबसे बढ़िया किसका लगता है? आप ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छा ये रोल मैं करना चाहता था, मन में लेकिन लगता होगा कभी को कि ये किसका काम अच्छा लगता है अपने साथ वालों में? अमिताभ बच्चन तो हो गए, मुझे तो लगता है कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि यार अमिताभ बच्चन तो सबका फेवरेट होता है, नेक्स्ट बताओ। मुझे बहुत सारे एक्टर्स पसंद है, अपने साथ वालों में मतलब मैं कैसे बताऊं, मुझे अल्लू अर्जुन का काम बड़ा पसंद आता है, उन्होंने पुष्पा में बहुत अच्छा काम किया, नेशनल अवार्ड भी उनको मिला। ऋतिक रोशन का काम मुझे बहुत पसंद है, शाहरुख, सलमान, ये है, बट ये लोग मुझसे सीनियर हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये सब सीनियर हैं मुझसे। काफी सारे लोगों का काम मुझे पसंद आता है, बट एक नाम अगर लेना चाहूंगा तो मुझे अभी के जो टैलेंट्स हैं उसमें अल्लू अर्जुन और मे बी आई कैन ऐड ऋतिक रोशन आल्सो इन इट। वो हमेशा अच्छा काम करता है, ही इज अ वंडरफुल टैलेंट, सच अ ग्रेट लुकर, एंड डांस, एक्टिंग, एवरीथिंग इज वंडरफुल। लुक्स या एक्टिंग या दोनों का बैलेंस होना चाहिए? दोनों का बैलेंस हो तो अच्छा है, बट एक्टिंग टैलेंट, काबिलियत हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। एक्टर को कितना डिसिप्लिन रखना होता है? मतलब हम लोग आपको स्क्रीन पर देख लेते हैं, लगता है कि वाओ लुकिंग गुड, अच्छी एक्टिंग है, वो सारी चीजें, लेकिन इसके लिए कितनी चीजें आप सैक्रिफाइस करते हैं? एक्टर को दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए, जब आप लीड प्ले करते हैं हीरो पर से, वो एक अलग डायमेंशन होता है, और एक्टर मींस लाइक आप कैरेक्टर रोल्स भी प्ले कर रहे हैं, वो अलग डायमेंशन होता है। तो जो कैरेक्टर रोल्स प्ले करते हैं उनको थोड़ी छूट होती है, वो कुछ भी खा पी सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, लेकिन जो हीरो प्ले करता है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसको लोग देखकर एडमायर करते हैं, हीरो चाहे हीरोइन, इन दोनों को काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और जबान पे बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, बोलने के मामले में भी, खाने के मामले में भी। जीत को क्या नहीं खा पाते हैं जो खाना पसंद है? मिठाई, बंगाल में रहते हुए। जी नॉलेन गुड़ेर, संदेश, मिष्टी दोई, इन दोनों से मैं बड़ा मुश्किल से बचता हूँ, और मेरे घर में अभी पिछले 2-3 सालों से मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ हूँ, वरना नॉलेन गुड़ संदेश का जो डब्बा है वो पड़ा रहता है, और मैं हर आधे घंटे में आधी आधी खाता रहता था, आधा आधा संदेश। कभी नहीं, वो अपना वीक नहीं पड़ते हैं? अभी पिछले 2-3 सालों से ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ, और अदरवाइज लाइक आई हैव अ स्वीट टूथ, एक्चुअली आई एम अ फूडी, आई लव ऑल सॉर्ट्स ऑफ फूड। मैंने कहा था ना आपको इंटरव्यू के पहले, जब हम चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैं हॉलीडेज में जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, और 15-20 दिन का हॉलीडे करके जब भी लौटता हूँ, तो कम से कम 3-4 किलो वजन बढ़ा के आता हूँ। 3-4 किलो दूर करने में कितना टाइम लगता है? 2 महीने तो लग ही जाते हैं। यानी वो भी डिसिप्लिन का पार्ट हो गया कि आपका पूरा दिन, भले ही लोगों को फिल्म, एक फिल्म वो 4 बार देख लें, लेकिन उस एक फिल्म के पीछे का जो कैरेक्टर है और जो फिटनेस है, उसके पीछे दिन भर की मेहनत है। हाँ, बट अगर वो फिल्म लोग पसंद कर लेते हैं और प्यार देते हैं, तो वो सारी मेहनत जो है वो बहुत मामूली लगती है फिर। जी, ये बताइए कि जितना आप सीरियस लगते हैं अपने काम को लेकर,
जब कोई कैरेक्टर आप प्ले करते हैं जो हम लोग स्क्रीन पर देखकर इतना प्यार जिससे करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि मतलब आप कोई ऐसा सीन अपने पूरे फिल्मी करियर का याद आता है जिसे फिल्माने के लिए आप कभी सैटिस्फाई नहीं हुए कि नहीं थोड़ा सा और बेटर करके देखा? हर फिल्म को देखने के बाद कंप्लीट हो जाती है, हर शॉट को देखने के बाद रात को नींद से पहले सोने के पहले मुझे हमेशा लगता है कि यार यहाँ ये कर सकता था, वहाँ ये कर सकता था, ये हमेशा लगता है। मेरे ख्याल से ये हर आर्टिस्ट के अंदर की एक भूख रहती है और एक बेहतर करने की इच्छा रहती है, और मैं एस्पायर करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ, ये जस्ट कहने की बातें हैं, लेकिन समझने वाला इसी के अंदर से समझने को समझ जाएगा कि मैं बेस्ट बनना नहीं चाहता हूँ, मैं बेटर बनना चाहता हूँ, बेटर बनने का एस्पिरेशन ज़्यादा रखता हूँ, कैसे हर दिन अपने आप को कल से बेहतर बनाया जाए। आपने बांग्ला में गुनगुनाया, लेकिन क्या आप कोई हिंदी गाना हमारे लिए गुनगुना सकते हैं? आप क्यों मुझसे गवा रही हैं? आप उषा दी को बोलिए, मैं फिर बुला लेता हूँ, उषा दी से सुन लीजिए, आप मुझसे मत गवाइए। उषा दी मुस्कुरा कर आपकी तरफ देखती है जैसे ही मैं गाने की बात करती हूँ। अब देखो जीत कौन सा गाना गाए। दीदी दीदी आपको अच्छी तरह से पता है, बट खैर कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं गाता हूँ, आप लोग देखते हैं, बस इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा दीदी के लिए ये गाता हूं, आमार साथे साथे गाइबे सबाई, ओके। अच्छा दाड़ी दाड़ी डांस होबे कि निधि निधि जगह दाड़ी दाड़ी एक बार देखी, खूब खूब सिंपल स्टेज, खूब सहज स्टेज, स्टेपटा तो इजी सबाई जानें, ताई तो आमिओ दाड़ी बोलछी, ओके चलो। एतो दिन भाबछी कबे तोमार देखा पाई, ছিল চান 0% বেকার জীবনটাই, ছিল না জিন চাকে চাকে সুট বুট আর টাই, তোমার ওই টাচ লেগে আজ হয়েছি হাই ফাই। মাই লাভ ইউ আর মাই লাভ, দিওয়ানা তোমার প্রেমে এনেছি গোলা, ইটস 100% লাভ 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 লাভ। আমি তো দু চারজনকে দেখতে পাচ্ছি, সবাই মিলে করো প্লিজ, যারা যারা পেছনে নাচতে ইচ্ছুক সবাই মিলে দেখি, দাঁড়িয়ে পড়ো দেখি সবাই, যারা যারা আমার জন্য এসে তারা তারা দাঁড়িয়ে পড়ো প্লিজ। It's 100% love, 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 love. It's 100% love, 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 love. It's 100% love, 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 love. Thank you very much. জোরে হাত তালি আপনাদের সকলের জন্য। And Usha Di, thank you. ইতনা কোন শর্মাতা হ্যায়, ইতনা আচ্ছা গাতা হ্যায় তো। अच्छा मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसा गाता हूँ, बट आप लोग बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सेल्फ रियलाइजेशन भी ना हो इंसान को। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा जब मैं पूरा एक शो करूंगा, जहाँ हम लोग जब जाते हैं गाँव गाँव में, तो मैं आपको बुलाऊंगा परफॉर्मेंस वाला शो। जी 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 बुला लीजिएगा इनको। हाँ ठीक है, पक्का हो गया यहाँ पर। लेकिन मुझे रिमाइंड किया किसी ने कि आपने एक्टर तो पूछ लिया, एक्ट्रेस फेवरेट नहीं पूछी। एक्ट्रेस अरे एक्ट्रेस थोड़ी हूं मैं। किसने बोला ये? आप आ जाइए, आप एक रोमांटिक सीन करिए इनके साथ, आइए आप प्लीज आइए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, श्वेता सिंह मेरी फेवरेट एक्टर इस वक्त। नहीं आप बताने से बच रहे हैं या मतलब है ही नहीं कोई फेवरेट, या कंट्रोवर्सी में फंसने से डर लगता है? जी बिल्कुल, वो लास्ट वाला जो आपने कहा। अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे समय में कहते हैं मधुबाला जी। हाँ नहीं नहीं नहीं, मधुबाला जी मेरे डैडी की होंगी। मेरी फेवरेट अगर बंगाल से कहा जाए तो बहुत सारी हैं जिनके साथ भी मैंने काम किया, सभी मेरी फेवरेट हैं। आरा नाम आ रहा है, लोग अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं, अपनी अपनी पसंद बता दिया। देखें फिल्म इंडस्ट्री हर जगह बदली है अब, मतलब जो मुझे याद है कि पहले एक्टर्स से भी जब पूछा जाता था वो कहते थे नहीं मसाला फिल्मों से अलग, मैं अपनी एक्टिंग मेटल प्रूव करना चाहता हूँ, और इस तरह की चीजें होती थी। पर आज की तारीख में जो फिल्में बन रही हैं,
ठीक है, मतलब साईफाई भी होंगे उसमें आपकी, मतलब ऐसे सुपर एक्शन मूवीज भी बनेंगी, लेकिन क्लोजर टू रियलिटी भी फिल्में बनती हैं। आपको लगता है ये लोगों से ज्यादा करीब ले जा रहा है फिल्मों को? क्या एक्टर के लिए ज्यादा आसान हो रहा है, या फिर वो जो एक हैमिंग जिसको कहते थे, या फिर जो टिपिकल मसाला फिल्में रहती थी वो ज्यादा आसान थी? आसान तो मेरे ख्याल से जो रियलिटी वाली फिल्में होती हैं, क्लोजर टू रियल लाइफ, वो फिल्में आसान होता है। मेहनत और डिफिकल्टीज ज़्यादा होती हैं जो मेन स्ट्रीम सिनेमाज होता है, जिसमें एक्शन हो, डांस हो और बाकी ढेर सारी चीज़ें हो, उसमें करने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे जो इतना आप आसानी से लोग रिएक्ट कर सकते हैं, आप सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर नहीं निर्भर है, अच्छा है बुरा है? ट्रोल्स आसानी से आप झेल लेते हैं या नहीं? ट्रोल्स को इग्नोर करता हूँ, ट्रोल्स कभी कभी होते हैं। और कहते हैं ना कि अगर आपको सबको खुश रखना है तो आइसक्रीम बेचिए, ऐसे कहावत है ना दीदी, अगर आपको सबको खुश रखना है तो आइसक्रीम बेचिए, वरना सबको खुश रखना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और जो लोग ना खुश होते हैं, हम कोशिश करेंगे और मेहनत करके उनको खुश करें, अदरवाइज इसके अलावा इग्नोर करना ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुझे लगता है कि ये गुरु मंत्र आपने बहुत सारे लोगों को दे दिया है, मुझे इंक्लूडेड। अच्छा, बहुत लोग परेशान भी होते हैं इन चीजों से, लेकिन ये गुरु मंत्र है आज, जीत का गुरु मंत्र। चलिए, अच्छा लगा, अगर आप यहाँ से जाकर एक भी कोई चीज यहाँ से मुझसे ले जा पा रही हैं तो मुझे इसमें खुशी मिलेगी। और आज तक के जरिए पूरे देश की ऑडियंस आपको सुन रही है, देख रही है, जो नहीं जानती है वो सोचेगी जीत कौन है, जरा हम ढूंढ लें, और जो जानते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उन सबको ये बातचीत पसंद आई होगी। लेकिन फिनिश होना है। Don't ask me to sing, please. देखिए, डांस तो दीदी ने करवा दिया था आपको स्टार्टिंग में ही। हाँ, मुझे गाना मत गवाइए, दो गाने में गा चुका हूँ। डायलॉग रावण, अरे चुप करो, काम देखो नहीं गायला मिट्टू आगे। रावण मेरी एक फिल्म का डायलॉग जिसका मतलब मुझे नहीं पता, बट वो डायलॉग लोगों ने काफी पसंद किया है, ये मैं एक लाइटर नोट पे डायलॉग दे रहा हूँ। एक ही मार घुड़ दे रोटी छिड़ी दे चा फू दिए हा, तो ये एक डायलॉग पता नहीं लोगों को क्यों पसंद आया है, बट मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आया। लेकिन मेरे कुछ फेवरेट डायलॉग्स अगर बोलेंगे आप तो अभी चंगेज का एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद आया, अच्छा लिखा था राइटर ने कि चंगेज राज काल होय ना डिसीडी साहेब, चंगेज जुग होय जुग एरा। थैंक यू। और हाँ, बात तो सही है, फिल्म दीवार है फेवरेट, तो दीवार का डायलॉग तो दीवार के बहुत सारे डायलॉग्स हैं। मैं एक डायलॉग कभी कभी बोलता हूँ, मिस्टर बच्चन का डायलॉग मुझे क्यों बुलवा रही हैं आप? मैं अपनी फिल्म का एक और डायलॉग बोल सकता हूँ। अच्छा, एक दीवार का डायलॉग के साथ अग्निपथ का एक डायलॉग मैं सुना रहा हूँ आपको, जस्ट दो लाइनें। विजय दीनानाथ चौहान आई का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मंडुआ, उम्र 36 साल 9 महीने 22 दिन, और ये 16 घंटा चालू हुए इंस्पेक्टर गायतुंडे, हाय 16 घंटा चालू है। कंप्लीट स्पोर्ट, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू, लाइकवाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू।